बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहले तो आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया, मीडिया के जितने भी दोस्त यहाँ खड़े हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी और धूप में भी आप लोगों ने हमेशा हक सच की बात के लिए यहाँ पर अपना साथ दिया हमारा। अब बेसिकली मैं समझता हूँ कि आज इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हमारी जमात है, जिसको हमने सोच के एक विजन के साथ जिसमें हमने मेहनत की और एक ऐसा सोच के साथ हमने इस पर वर्क किया कि वाकई हमारी जमहूरी पार्टी है और इसके अंदर हमारे दोस्तों की जो बात है वो सुनी जाएगी। तो मैं से ये समझता हूँ कि आज वज़ीर आला पंजाब ने हमें बुलाया, जो उसके अंदर गिले शिकवे तो बेशुमार थे और बेशक हमारे गिले शिकवे बंदे भी हैं। जैसे कि पहले आप देख रहे हैं, पिछले दिनों हम मीडिया पर अपनी बातों को आपके सामने अर्ज कर रहे हैं, तो आज उन गिले शिकवों की रोशनी में मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा बड़ी जो अचीवमेंट वो ये थी कि आज हमारा सीएम पंजाब ने एक डीएस लगा दिया है। वो डीएस हमारे जितने भी पंजाब ज़िला के लोग हैं जंगीर खान तरीन साहब के ग्रुप के, उनके तमाम मसाइल को हल करवाएगा। और ये हम देखेंगे कि वज़ीर आज़म साहब ने, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार साहब ने जो वादा हमसे किया है और ये वादा कहाँ तक वफा होता है देखना सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने अपने हलकों में भी कल जाना है। जब हम अपने हलकों में जाएंगे, टाइम बहुत कम रह गया है, तो हमने अपने हलकों में जाके आने वाले वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे के ऊपर फिर इलेक्शन लड़ना है। कल भी हमारा वज़ीर आज़म इमरान खान है, आज भी हमारा वज़ीर आज़म इमरान खान है और कल भी इंशाल्लाह होगा। लेकिन 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 इसके लिए हमें जुद्दोजहद, हमें जब तक ये नहीं कि घर पर वोट मिलते हैं, मसाइल को हल करना है, हल्के में जाकर अपने लोगों के जो मसाइल उन तक पहुंचना है, जो हमने वादे लोगों से किए थे पिछले इलेक्शन के अंदर, क्या हमने इस दफ़ा देखने हैं जो हमारा वादे थे पिछले लोगों से, जो हमारा मंशूर था कितने परसेंट उस पर हम काम कर चुके हैं, क्या वो हमारा मंशूर ठीक जा रहा है, और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से बहुत जल्द